हमारे मित्र नवीन जी, रविकांत जी, आजाद जी, गीतांजलि मैम प्रोफेसर पटना विमेंस कॉलेज, रिचा मैम और तमाम प्रतिभागीगण, सही में आज आप लोग के साथ जो लम्हात हमारे गुजरे हैं वो बड़े ही क्या बोलते हैं बड़े ही मतलब हसीन गुजरे हैं, बहुत ही उत्प्रेरक गुजरे हैं और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके बीच में हूँ। उसका कारण ये है कि कुछ कुछ आप लोगों ने जो बातें बताई वो मुझे लगा कि अगर मैं आप लोग के साथ सीख रहा होता तो मैं भी वही बोलता जो आप बोल रही हैं। और खासकर उसमें तन्नु कुमारी जी ने जो बताया बड़ा बड़ा नेचुरल वे में सारी बातें जो बताई है वो बड़ा अच्छा लगा हमें कि नहीं वो किसी तरह के प्रभाव में नहीं है, किसी तरह के दबाव में नहीं है और बड़ा खुल के बात कर रही है। तो ये इनका खुलापन ये सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ से बहुत ही कुछ ले गई होंगी, क्योंकि खुले हाथ से कोई चीज बटोरना काफी आसान होता है। तो इन्होंने कुछ लेके गया है, मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी कुछ करती रहेंगी। उसी तरह से सीमा जी भी बोली हैं, एक महिला हैं और बहुत अच्छा प्रतियोगिता करने की भावना आप प्रकट हो गई है जो मैं देखा हूँ उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। पूनम जी को भी हमने देखा यहाँ पर, वो भी कुछ बोली हैं, समझी हैं, की हैं। और ओवरऑल चूंकि ये दो प्रोग्राम का ये समन्वय है, एक ESDP है और दूसरा MDP है, तो दोनों प्रोग्राम का समन्वय बड़ा मतलब एक कॉकटेल सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है जिसमें जिसकी मारक क्षमता काफी दूर तक हो सकती है। और जैसा कि विदित है कि आप महिलाएं आधी आबादी हैं, शक्ति की जनक हैं, तो आपको किसी तरह की बाधाएं अगर आती है तो उसको दूर करने में ज्यादा तदुरत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जब घर की महिलाएं कोई काम करती हैं तो घर के सभी परिवार के सदस्य उसके हर एक्टिविटीज को नजर रखते हैं कि क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या सीख रही हैं। तो एक अतिरिक्त तरह की जिम्मेवारी आप पे लगती है और ये अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है आपको एक सफल उद्यमी के रूप में बनाने में बड़ी सहयोग की भूमिका सहयोगी की भूमिका निभाती है। और जैसा कि पता है कि हम लोग का मंत्रालय महिलाओं के लिए बड़ा हैंड होल्डिंग है, बड़ा ओपन है और हर तरह की सुविधाएं महिलाओं को अलग से दी जाती हैं। हमारा मंत्रालय में जो जितने भी स्कीम हैं उसमें अलग अलग से सुविधाएं हैं। बैंक्स में जो है इंटरेस्ट रेट अलग है, PMAGP में इंटरेस्ट रेट अलग है, रिजर्वेशंस हैं। बिहार की सरकार ने जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाई है उसमें आप लोगों का अलग से एक स्कीम है, अलग से रिजर्वेशन है। फिर मैं बताऊं कि बिहार सरकार में एक प्रायोरिटी सेक्टर करके डिफाइन किया गया है जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर में गारमेंट्स को रखा गया है। और आप लोग गारमेंट्स जो बनाए हैं जो मैं देखा हूँ, होजियरी और गारमेंट्स में बहुत डिफरेंस हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी जो मैं लग रहा है ये गारमेंट्स या होजियरी जो भी होगा इसकी अलग से मैंने रिजर्वेशन है बिहार सरकार में कि उसमें आपको लैंड मिल जाएगा, आपको सस्ते दर पर लोन मिल जाएगा और बिकवाली की सुविधा तो केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा है। ये मैंने हर जगह हम ये कहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो 25% की भागीदारी MSE को देता है जिससे कि आपकी भागीदारी आपकी क्रय करने की शक्ति बढ़े और आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बेच पाए। तो ये सब सुविधाएं जो हैं जो आपको मिल रही हैं वो सुविधाएं का आप लाभ उठाइए, है ना, ये लाभ उठाना बहुत जरूरी है। आज जो हम लोग सर्टिफिकेट दिए हैं आपको ये इस बात की पात्रता आपको दे रही है कि अब आप तैयार हो गए हैं उद्यमी के लाइन में आने के लिए और अब अगर इसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पात्रता धीरे 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 गौन हो जाएगी और फिर एक समय आएगा कि हो सकता है कि आपकी इच्छाएं भी दूसरी तरफ
गुजर जाएं और फिर आपको उद्यम बनने में या उद्यमी बनने में या उद्योग लगाने में आपकी रुचि उतनी भर है, तो इस रुचि को बरकरार रखने के लिए आप आज से अभी से ही कुछ सोचें, है ना, कुछ दिमाग में खाका रखें, क्योंकि हमारी सुविधाएं अनेक हैं। सुविधाएं को मैं गिनाऊंगा तो बहुत सुविधाएं हैं, बैंक की सुविधाएं हैं, भारत सरकार की सुविधाएं हैं, राज्य सरकार की सुविधाएं हैं, निगम है, महिला आयोग है, तो इतनी सुविधाएं आपको हैं कि उस सुविधाओं में आप चुन चुन के भी कुछ उठाएंगे ना तो आपको किसी बात की कमी नहीं नजर आएगी। तो अब बेसिकली आपको कमर कस के आगे बढ़ने की जरूरत है और ये क्षण को आप लोग मत खोइएगा, है ना, इसको एक उत्प्रेरक के रूप में मानिएगा ये क्षण को, और हमेशा एनर्जाइज रहिएगा ये सोच के कि हमने यहाँ जो सीखा है, हमने जो यहाँ पाया है और जो आगे बढ़ने का दिशा निर्देश दिया गया है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आए। तनु कुमारी बोल रही थी कि सरकार में इतना अच्छा एम्बियंस है, इतने अच्छे वॉशरूम्स हैं, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा हमें कि नहीं चलिए आप लोग फील कर रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं आपको एट पार रख रही है। और मैं कभी कभी आके आप लोगों से मिला भी हूँ बीच बीच में, जो ट्रेनिंग चल रही थी कैसा चल रहा है, कुछ जरूरत हो तो बताइए, मैं बगल में बैठता हूँ, फैकल्टी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को मैं देखा समझा तो मुझे लगा कि नहीं आप लोग के चेहरे से बड़ा इत्मीनान लगा मुझे कि नहीं आप लोग कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसको आप भुनाइए, कैश कीजिए, इनकैश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, है ना, नहीं तो मैंने अगर पैसे को आप रख दें तो इट इज ऑफ नो वैल्यू, पैसा शुड रोटेट, तो उसी तरह से आपका नॉलेज अगर रखा हुआ रहेगा तो इट इज ऑफ नो यूज, उसको रोटेट कीजिए। अब नॉलेज को रोटेट करने में टेक्नोलॉजी को लाइए, नॉलेज को रोटेट करने में आप फाइनेंस को लाइए, नॉलेज को रोटेट करने में आप मार्केटिंग को लाइए, है ना, उसको आप एक सेप दे दीजिए, और जब आप सेप दीजिएगा तो वो गाड़ी धीरे 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 करके आगे बढ़ेगी। एक सेप देना जरूरी होता है। अब देखते हैं कोई भी चीज में एक लाइन खींच दीजिए आप, अब कोई भी खेल खेलिए ना उसमें एक लाइन बाउंड्री रहता है, वो बाउंड्री इस बात का द्योतक होता है कि उसके बीच में हमें चहलकदमी करना है, दौड़ना है, बैठे नहीं रहना है। तो उसी तरह से आपकी एक बाउंड्री खींच गई है, अब इस बाउंड्री में आपको मूव करना है, बैठ जाइएगा तो फिर आप थर्ड एम्पायर बन जाइएगा, है ना, फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिशें यही रहती है कि हम आपको एक अग्रणी समाज के अग्रणी पायदान पर लाएं और आपको मैंने नो कि सिर्फ बिहार के स्तर पे, आपको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, हमारी अपनी मैंने मंत्रालय की तमन्ना यही होती है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे मंत्रालय में बहुत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोग्राम्स होते हैं, मेला होते हैं, उस मेले में आप लोग शिरकत कीजिए, भाग लीजिए, है ना, हमारे 10 महिलाएं अगर मिल जाएंगी कोई एसोसिएशन के साथ तो उसको हम लोग विदेश भेजते हैं। फिर प्रगति मैदान में मेला लगता है तो महिलाओं को फ्री मेला में स्टॉल दिया जाता है, दिए थे ना भी हम लोग 10-11 लोगों को दिए हैं, तो ये सब फ्री स्टॉल्स दिया जा रहा है। फिर अभी मधुबनी में मेला लग रहा है 11 फरवरी से, वहाँ भी अगर आप लोग, तो इंटरनेशनल मेला है वो, उसमें भी आप लोग स्टॉल लगा सकती हैं। फिर अभी एक मेला शुरू होने वाला है दैनिक जागरण के, इससे स्पॉन्सर्स हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग अपने स्टॉल्स को पा सकते हैं। तो आप शुरू शुरू में ये सब काम कीजिए, सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना, है ना, एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल अपना बनाने का कोशिश कीजिए, आपको कितना फाइनेंस आपके फिंगर टिप्स में है उसको आप एसेस कीजिए अपने परिवार को देख के, कितना आप बैंक से लोन ले सकती हैं बैंक से थोड़ा मुलाकात कीजिए, कितना सरकारी संस्थाएं आपको लोन दे रही हैं और सब्सिडी दे रही हैं उसके बारे में सोचिए, कुछ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि हम कौन सा चीज़ बनाएं या कौन सा सर्विसेज करें जिसका हमें बिकवाली में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, जिम पर रजिस्ट्रेशन कराइए। तो जब ये सब आप कराएंगे, सोचते रहेंगे ना, यू शुड मूव। क्या होता है, एक होता है लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, और एक होता है मैग्नेट, इसमें क्या अंतर होता है?
मैग्नेट, मैग्नेट खींचता है। अब क्यों खींचता है वो? प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वो भी तो लोहा का है, ये भी लोहा का है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि मैग्नेट भी लोहा है और आयरन भी लोहा है, तो आयरन आयरन ही रह जाता है और मैग्नेट में क्षमता हो जाती है उसको अपने तरफ आकर्षित करने की। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल यही है, उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो सिलसिलेवार ढंग से लगे होते हैं और आयरन में बेतुका ढंग से लगे होते हैं। तो उसी तरह से आप सिलसिलेवार ढंग से अपने प्रोजेक्ट को बनाइएगा तो आप में चुंबकीय शक्ति आ जाएगी और फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो हम बार बार यही आपको दिमाग में भरना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, वो फैकल्टी वाले आके बता देंगे या बता दिए होंगे। मैंने ये बताना नहीं चाहूँगा कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है, वो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट बता देंगे। GST कैसे लिया जाता है वो बता देंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आप एक फ्रेम आउट कर लीजिए, है ना, कि हमें यह करना है। उसके बाद सारी चीजें अपने आप सिलसिलेवार ढंग से सजती चली जाएगी और आप में एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी। तो इस तरह की भावना को हम आपके जहन में लाना चाहते हैं। और इसमें कितना सफल हुए हैं हम, ये नहीं है कि आज ही हम इस बात का उत्तर दे सकेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि आप कंटिन्यूअस प्रॉब्लम को इनवाइट कीजिए या प्रॉब्लम को फेस कीजिए और फिर उसको एड्रेस करने के लिए आप हम लोगों से संपर्क कीजिए या संबंधित जो फेटर्निटी है उससे संपर्क कीजिए। और उससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम जब फेस करिएगा तो कहीं से जब हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा तो अंदर से बहुत बल मिलेगा आपको और वो बल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और फिर आपको नई ऊर्जा देगा और फिर नए ऊर्जा से आप जब ऊर्जामान हो जाएंगे तो नेचुरली आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हर चीज में लागू होता है, पढ़ाई में भी ये बात लागू है। पढ़ाई में अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, हम लोग तो पढ़ते थे तो हिंदी मीडियम से आया, अचानक इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ा, तो चला रात भर जो है सो समझने में एक हिंदी बुक पढ़ते इंग्लिश बुक पढ़ते उसको करते 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 एक साल ऐसे ही निकल गया, लेकिन लगे रहे उसमें और हमारे जो पथ प्रदर्शक थे उनसे मिलते रहे, वो बताते रहे और उनको भी लगने लगा, हमारा क्लासमेट ही था, उनको भी लगने लगा कि नहीं सही में ये बालक कुछ समझना चाहता है, इसकी जिज्ञासा ठीक है। तो वो भी हमको बताने लगा एक सिंसियर ढंग से, जबकि मेरा ही क्लासमेट था। तो इस तरह की भावना जब आप में होगी ना तो फिर कोई शक्ति आपको पीछे नहीं ढकेल सकती है, आप सदैव आगे बढ़ेंगे। परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप परिवार में आप ज्यादा पूछे जाएंगे, समाज में आपकी एक अलग से पहचान बनेगी और इस पहचान को बनाने में हमारा MSME DI या DFO आपको बड़ी सहयोग करेगा। जो मैडम है गीतांजलि मैडम, देखिए कितना डायनेमिक है वो प्रोफेसर भी है पटना विमेंस कॉलेज में, उनके बाद भी ये इस तरह के कार्यों में लिप्त रहती हैं, तो आप समझ लीजिए इनकी ऊर्जा कितनी ज्यादा है। और ये हमसे फोन पे बात करती है, जब मिलती है तो हमें भी बड़ा ऊर्जामान लगता है ये सब चीज देख के। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की जो हस्ती है वो समाज को कुछ देने की कुवत रखती है। तो आप इस तरह के पर्सनैलिटी से मिलिए। कुछ और आपको इसमें सुझाव अगर देने की बात हो तो वो हमें बताइए, ताकि हमारा भी कुछ प्रॉब्लम्स, हमें भी कुछ पथ प्रदर्शन मिले और ताकि आने वाले पीढ़ी को हम बता सकें। आप में अगर कुछ प्रॉब्लम है वो बजाय मगर मैं नहीं सॉल्व करता पाऊंगा तो मैं दिल्ली में उस मैटर को उठाऊंगा, वहाँ इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप में कुछ करने की तमन्ना हमेशा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की तमन्ना हमेशा होनी चाहिए। हमारा मंत्रालय कहाँ आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, हमें एक भी क्षेत्र ऐसा नजर नहीं आता है जहां हमारा मंत्रालय आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में आप बोलिए तो हमारा मंत्रालय का कोई ना कोई कंपोनेंट्स उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। अब वो सीधे रूप से एड्रेस कर रहा हो या परोक्ष रूप से एड्रेस कर रहा हो, लेकिन आप हमारे
मंत्रालय के वेबसाइट को देखिएगा तो आप देखिएगा कि किसी भी तरह का अगर आपको गतिविधि में कोई हिचकिचाहट नजर आती है तो हमारा मंत्रालय उसको एड्रेस करता है, और अगर नहीं भी एड्रेस करता है उस पर्टिकुलर इश्यूज को जो आपके साथ शायद आ गया होगा या होने वाला होगा, तो हमारा चैंपियन पोर्टल है, नाम ही है उसका चैंपियन पोर्टल, उसमें उस प्रॉब्लम्स को, उस ऑब्जर्वेशंस को, उस सुझाव को आप डालिए और वो फिर घूम फिर के हमारे पास आएगा, तो हम या तो आपको सुझाव देंगे नहीं तो जिससे आपको प्रॉब्लम है उससे स्पष्टीकरण पूछेंगे। तो हमारा एडवाइजरी रोल ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव रोल कम है, लेकिन एडवाइजरी रोल ज्यादा रहने से हम अपने आप को बड़ा व्यापक मानते हैं। वी आर द आर्मी विदाउट आर्म्स, लाइक महात्मा गांधी, देश को पूरे स्वतंत्रता दिला दिए बिना किसी विपन के, तो उसी तरह का हमारा मंत्रालय है। हर विभाग में हमारा इनपुट आपको मिलेगा, आप वित्त विभाग में जाइए तो हमारा इनपुट्स मिलेगा, आप वाणिज्य विभाग में जाइए वहां मेरा इनपुट्स मिल सकता है, आप विदेश विभाग में जाइए वहां मेरा इनपुट्स मिल सकता है, किसी भी विभाग में आपको हमारा इनपुट्स मिल सकता है, आप वहां पर हमको अपने साथ खड़े पा सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस बात का बड़ा आशान्वित महसूस करता हूं कि आप एक अच्छे उद्यमी के रूप में अपने आप को लाएं, समाज में अपने आप को प्रेषित करें, अपना पहचान आप एक उद्यमी के रूप में बनाएं, और उसमें हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नहीं आप हमारे संस्थान से सीखी हैं तो समाज में आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में आई हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको हृदय से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ उद्यमी के रूप में आपको देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।